सत्तू के हैरत अंगेज़ फ़वाद जब मौसम गर्मा शुरू होता है तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के ठंडे मशरूबा का इस्तेमाल करते हैं ताकि खुद को गर्मी से बचा सकें और इन मशरूबा से हमें दिमागी तौर पर भी राहत मिलती है मौसम गर्मा में इस्तेमाल होने वाले मशरूबा में से एक मशरूब सत्तू भी है जिसे मुख्त तरीक़ों से तैयार किया जाता है जिसको पीने से हमें न सिर्फ ठंडक का एहसास होता है बल्कि इस मशरूब के दीगर फ़वाद भी हैं जैसे इसमें प्रोटीन विटामिन आयरन कैल्शियम और मदनियात की एक वाफर मकदार पाई जाती है सत्तू एक किस्म का आटा होता है जिसे जौ और गंदम वगैरह को पकाकर तैयार किया जाता है इसे आमतौर पर गर्मियों में मशरूब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है सत्तु में वफर मकदार में प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे पट्ठों को अफजाइश और मरम्मत में मदद करते हैं सत्तु हमें ताकत और बख्शता है और हमारे जिसम में मौजूद कैलोरीज कम करता है जिससे हमारा बढ़ता वजन भी कम होना शुरू हो जाता है सख्त गर्मी में न सिर्फ हम सुस्त हो जाते हैं बल्कि बाज़ात हमारे ब्लड प्रेशर की सतह भी कम हो जाती है जिसकी वजह से हमें थकावट महसूस होती है और हमसे सख्त गर्मी में ना तो कोई काम होता है और ना ही कहीं बाहर पैदल चला जाता है ऐसे में हम अगर रोज़ाना बाकायदगी से सत्तू का इस्तेमाल करें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं क्योंकि सत्तू में कुदरती और गज़ाई अज्जा शामिल होते हैं जो हमें तोानाई देते हैं लिहाजा गर्मी के मौसम में सत्तों का इस्तेमाल लाजमी करें सत्तू में कुदरती तौर पर फाइबर मौजूद होते हैं जो हमारे निज़ाम हाजमा को बेहतर करते हैं सत्तू हमारी अंतों को साफ करता है और हमें कब्ज़ जैसी बीमारियों से बचा कर रखता है इसके अलावा सत्तू मैदे की जलन और तजाबियत को भी ख़त्म करता है सत्तू को ना सिर्फ गर्मी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि दीगर अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है और इसके अलावा ब्लड शुगर के मरीजों के लिए भी मावल साबित होता है सत्तू को मुख्तलिफ तरीक़ों से रोज़मर्रा की गज़ा में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कुछ लोग सत्तू के लड्डू बनाते हैं तो कुछ लोग सत्तू की रोटी लेकिन सत्तू को अपनी गज़ा में शामिल करने का सबसे आसान तरीका हम इसको पानी में मिलाकर मशरूब बनाकर पी लें इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती और बासानी हम इसको हजम भी कर सकते हैं